नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। एक झूठ को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है। इस देश में जो आरएसएस बीजेपी के समर्थक है वो कितने शातिर है, और इसलिए मैं कहता हूँ इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उसके नेता भी भोले हैं, उसके समर्थक भी भोले हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, और जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो थोड़े बहुत बिजनेस में लोग हैं, उनको इतना डरा धमका के रखा जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए, नवजोत सिंह सिद्धू पर एक केस दर्ज होता है चुनाव के समय, बिहार चुनाव के समय, और बिहार की पुलिस रोज उनके दरवाजे पर बैठती है लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती, यहां तक कि मिलते तक नहीं है। क्या यह संभव है किसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हों, कोई दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, गरीब आदमी हो? सोचिए, इस देश में माल्या जैसे लोगों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है लेकिन अगर कोई किसान हो, गरीब हो, तो उसके दरवाजे चौखट उखाड़ लिए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस के जो समर्थक हैं, ज्यादातर जिसमें आप सरनेम देखिएगा वो कौन लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो नौकरी में हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो मीडिया में हैं, वो जुडिशियरी में हैं, वो भले 15% हैं लेकिन वो बहुत ताकतवर लोग हैं, और वो किस तरह से झूठ बोलते हैं इसका नतीजा देखिएगा। इस देश में अगर अखिलेश यादव मायावती की सरकार होती और यही चीन का मसला होता या पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, यहां तक कि कांग्रेस की सरकार थी तो भी रोज धरना प्रदर्शन होता है, रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे, कोई धरना प्रदर्शन देखा है? वो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान का या चीन का कोई मसला होता था तो पूरे देश में भारत सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो जाते थे। अब जबकि प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, कोई हमारी जमीन पर कब्जा नहीं हुआ, तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर में किसके क्यों चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? और ये चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे तो चीन से लड़ने बॉर्डर पर क्यों नहीं जा रहे, जब भारत सरकार इनिशिएटिव लेगी ना, भारत सरकार का फैसला हुआ कि भारत सरकार को क्या करना है। कन्हैया कुमार ने एक बड़ा ट्वीट किया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ फेंकू ही नहीं, फट्टू भी हैं। सोचिए, फिंगर 4 से लेकर 8 तक इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, पूरा गलवान को इन्होंने दे दिया चीन को, और चीन के लोग कह रहे हैं कि पहले भारत झूठ बोल रहा था, हमने कोई घुसपैठ नहीं की है, हमने कोई उस सैनिकों पर हमला नहीं किया है, जब भारत के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। अब जाके पीएमओ की तरफ से सफाई आ रही कि भारत के प्रधानमंत्री का ये जो बयान है वो सिर्फ 15 और 16 जून को लेकर है। मतलब समझ में नहीं आता इनके समर्थक कितने शातिर हैं, ये लोग कितने शातिर हैं। इनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं चीन के खिलाफ, टीवी फोड़ रहे हैं, बग्गा इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे। भैया, जब प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए ना, वो प्रधानमंत्री है ना, चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने से क्या मिलेगा आपको? चीन हमारे देश का हिस्सा तो नहीं है, चीन में हम वोट तो नहीं, हम तो सरकार के खिलाफ जब प्रदर्शन करेंगे तब सरकार कार्रवाई करेगी ना। तो ये बहुत शातिराना तरीके से जनता को डाइवर्ट किया जाता है। यहां तक कि बिहार में जो लोग शहीद हुए हैं, वहां चुनाव होने वाला है, उनके शहीदों के सब घुमाएंगे। प्रधानमंत्री ने चुनाव चुनाव खेलना शुरू कर दिया, ट्वीट कर दिया है कि बिहार के लिए गौरव की बात है, जबकि इनको जवाब देना चाहिए था कि जवान कैसे शहीद हो रहे हैं। दिलीप मंडल ने ठीक लिखा है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ मुसलमानों को मार सकते हैं, ये पिछड़ों को मार सकते हैं, ये शेड्यूल कास्ट को मार सकते हैं, ये आदिवासियों को मार सकते हैं, अल्पसंख्यकों को मार सकते हैं, ये सफूरा जरगर को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन ये देवेंद्र सिंह को नहीं पकड़ सकते, चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि कितने शातिर लोग हैं और इस देश की जनता कितनी बेवकूफ है। जब भारत सरकार को डील करना है तो हम चीन के खिलाफ प्रदर्शन करके, मतलब हम अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका मुर्दाबाद कर देंगे तो उससे अमेरिका को क्या हो जाएगा? हमको तो भारत सरकार को सचेत करना पड़ेगा ना कि आपको क्या करना है नहीं करना है। तो इनके शख्स, ये जो पार्टी है आरएसएस और इनकी जो सरकार चल रही है, इनके लिए देश से बढ़कर प्रधानमंत्री का चेहरा है, इनके लिए देश से बढ़कर पार्टी है, इनके लिए देश से बढ़कर वोट है, इनके लिए देश से बढ़कर चुनाव है। और ये लोग की हिम्मत तो देखिए, इनकी मतलब इनकी शातिरपना तो देखिए कि प्रधानमंत्री इनके, मुख्यमंत्री इनके, रक्षा मंत्री इनके, और ये प्रदर्शन कर रहे हैं चीन के खिलाफ। भैया, चीन के खिलाफ जाएंगे आप बॉर्डर पर लड़ने? मोहन भागवत ने जिस दिन तो कहा था कि हमारी सेना 4 दिन में तैयार हो जाएगी, संगी लोग, आरएसएस के लोग।
तो ये सिर्फ बहकाया जाता है, बिगाड़ा जा रहा है और आपको मुद्दे से भटकाया जा रहा है। मतलब इंतहा होती है, कोई आदमी इतना बेवकूफ कैसे समझ सकता है जनता को, और हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं। मतलब यही अगर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो पाकिस्तान से कुछ इंसर्जेंसी हुई थी, सोचे सुषमा स्वराज ने क्या कहा था, हमको 10 सिर चाहिए एक सिर के बदले, तो चीन के हमारे 20 सिर गए हैं तो 500 सिर चाहिए, कम से कम 200 सिर तो चाहिए ना। सुषमा स्वराज ने कहा था कि ये हमें इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला लुटा कैसे, तब वो संसद में मनमोहन सिंह से सवाल पूछ रही थी, वो पाकिस्तान मुर्देबाद के नारे नहीं लगा रही थी। लेकिन आज जब बांग्लादेश जैसा देश, नेपाल जैसा देश हमें आंखें दिखा रहा है, चीन हमें आंखें दिखा रहा है, तो ये नारा लगा रहे, ये नेपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन, लेकिन मोदी जी के खिलाफ नहीं करते। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिखा, इनके जो समर्थक है उनको लगता है कि देश से बढ़कर मोदी जी हैं, और ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है। और टीवी अखबार इनके साथ है ही, साहब कुछ भी बोल दें उसको चला दिया जाता है, कुछ भी कह दे उस पर कोई टिकट। यही मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, उसके बाद कितनी उनकी धज्जियां उड़ाई गई थी, उन्होंने अपने दोस्त मंत्रियों को जेल में डाला, कनीमोझी जेल में गई, राजा जेल में गए, बंसल से इस्तीफा देना पड़ा, अश्विनी कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था, एक एक बयान पर इस्तीफा होता था। और ये मीडिया, अर्णब गोस्वामी क्यों स्टार बने थे, क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछते थे, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो, जब यहां इनकी सरकार में कोई मुद्दा होता है तो कहते हैं कि नहीं इससे देश कमजोर हो जाएगा। मतलब आप जब राजनीति कर रहे तो देश मजबूत हो रहा था, और जब आपको लोगों ने बहुमत वाली सरकार दे दी तब आप मतलब चाइना के नाम तक नहीं ले रहे हैं, और इनके समर्थक चाइना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं भारत में, सबको चाइना, हांगकांग, बैंकॉक भेजा जाए। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है देश की जनता को। इनके समर्थक हैं वो चित भी मेरी पट भी मेरी। जब पाकिस्तान पर हमला होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, तो क्रेडिट प्रधानमंत्री का, लेकिन जब पुलवामा होगा तो सेना की गलती, जब लद्दाख होगा तो सेना की गलती, इनके पत्रकार कहते हैं, और इनके लोग विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ। अरे पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है, चाइना से हमारा क्या लेना, हम तो सरकार से सवाल पूछेंगे और सरकार कार्रवाई करे ना। तो ये आपको डाइवर्ट करने के लिए, ये आपको बिगाड़ने के लिए, और एक सिर्फ एक आदमी की छवि बनाने के लिए। सोचिए देश की कीमत भर भी इन कौन लोग है, उनको पहचानिए, उनका सरनेम देखिए, कौन लोग है जिनको देश से ज्यादा पार्टी से प्यार है, देश से ज्यादा प्रधानमंत्री से प्यार है, देश संविधान से ज्यादा एक पार्टी विशेष की विचारधारा से प्यार है। ये है असली राजद्रोह। इनसे सवाल पूछिए। अच्छा मान लीजिए मैं घर का मुखिया हूं और घर में कोई बच्चा बीमार है, तो मेरी जिम्मेवारी है ना इलाज कराना, खाना नहीं तो मेरी जिम्मेवारी है ना खाना लाना, पड़ोसी ने हमला किया तो मेरी जिम्मेवारी है ना रक्षा करना। तो हम क्या, हमारे घर वाले क्या करेंगे, हमने खाना नहीं दिया लेकिन कहेंगे चीन मुर्दाबाद, पड़ोसी मुर्दाबाद, हमने इलाज नहीं करवाया कहेंगे पड़ोसी मुर्दाबाद। भाई पड़ोसी का अगर पड़ोसी से भी लड़ाई हुई है और हम परिवार के मुखिया, तो हमारी जिम्मेदारी है ना उसको डील करना। तो ये बहुत शातिरपना है, बहुत चालाकी हो रही है मीडिया के स्तर पे। मीडिया तो है ही उनके साथ मोपू, उनका जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी मीडिया है, और जो उनके समर्थक है वो इतने शातिर, उनको पता है कि इस देश में लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाता है। लेकिन कल से इतनी किरकिरी हो गई है कि अब उनको पीएमओ को सफाई जारी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ है, कोई कब्जा नहीं हुआ है, वो 15-16 की बात कह रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब घुसपैठ नहीं हुआ तो लोग मरे कहते, तो इन शातिरों से सावधान रहिए। कन्हैया ने कहा है बहुत ही अपशब्द का इस्तेमाल कर, उन्होंने कहा कि पीएम फेकू ही नहीं फट्टू हैं, और सेना के जवान लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो इन लोगों से, इन चालाक शख्सों से सावधान रहिए। इनके लिए देश से ज्यादा पार्टी, इनके लिए देश से ज्यादा इनकी विचारधारा, इनके लिए संविधान से ज्यादा इनकी पार्टी, संविधान से ज्यादा इनकी विचारधारा। उनकी विचारधारा क्या है, मुसलमानों को मारो, आरक्षण खत्म करो, जाति व्यवस्था कायम करो, चाहे इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, दुनिया से रिश्ते। सोचिए
एक भी देश के किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। जो इनका इजराइल नया दोस्त था वो भी खड़ा नहीं हुआ, अमेरिका नहीं बोला, रूस नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। तो क्या ये ऐसी बास्को डिगामा बने घूम रहे थे? ये ऐसी इनका ये अपने पैसे से लोगों को खड़ा करके, जो एनआरआई लोग हैं ना दुनिया भर में, कास्टिस्ट लोग, उनको खड़ा करके पैसा खर्चा करके इवेंट मैनेजमेंट करते थे। अब साफ हो गया है, द्विपक्षीय स्तर पे हो या इंटरनेशनल स्तर पे हो, किसी भी संगठन ने, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे एशिया के बहुत सारे कंट्री हो, किसी ने नहीं हमारे साथ खड़ा। और जो हमारे अच्छे पड़ोसी थे उन वो भी हमारे उनसे बिगड़ गई है। तो विदेश नीति की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें, फिलहाल भारत अलग थलग पड़ता दिख रहा है। और हमारे जो जनता है, जो समर्थक हैं इस पार्टी के, जो भक्त बने हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना की महामारी बढ़ रही है, लोग भूखे हैं, नौकरी जा रही है, उसके बाद भी टीवी और अखबार की वजह से लोग भक्त बने हुए हैं। जब तक सबसे बड़ा दोषी इस देश में टीवी और अखबार है, जब तक आप उसका बायकॉट नहीं करेंगे, उसे सवाल नहीं पूछेंगे, आप इस देश का खतरा बढ़ता रहेगा। अगला वीडियो बताऊंगा कैसे लोकतंत्र समाप्त होने वाला है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।